हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ प्रतिका। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर के अंदर लवकेश कटारिया जो है वो ना काफ़ी ज़्यादा सबके चहेते बने हुए हैं और कई लोगों के निशाने पर भी है। और ऐसे में अरमान को तो लवकेश कटारिया कुछ ज़्यादा ही खटकते हैं। और हम सब जानते हैं लवकेश के पीछे जो है वो है एल्विश यादव। ऐसे में अरमान कई बार शो के अंदर एल्विश का जिक्र कर चुके हैं, यहाँ तक कि वो एल्विश का ही नाम लेते रहते हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एल्विश को वो हमेशा याद करते रहते हैं शो के अंदर, उन्हें टारगेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ ना फैंस को, खास करके एल्विश के जो फैंस हैं, तमाम उनकी जो आर्मी है, उसे ना अरमान की ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और अब ऐसे में जब एल्विश यादव वीकेंड का पार पर आ गए हैं तो उन्होंने लगा दिया सामने से अरमान मलिक की क्लास और कह दिया है अरमान को कुछ ऐसा जिसके बाद अरमान के पैरों तले खिसक सकती है ज़मीन, अरमान के उड़ सकते हैं होश, क्योंकि सरेआम एल्विश यादव ने अपने बेबाक अंदाज में कर दी है अरमान मलिक की बेइज्जती, या फिर यूँ कहे कि एल्विश ने अब धज्जियाँ उड़ा कर दी है अरमान मलिक की। दरअसल एल्विश यादव ने खुलकर कह दिया है अरमान को, भाई अपना गेम खेल ले, मेरा नाम क्यों लेता रहता है, मेरा नाम लेने के अलावा तेरा कोई काम नहीं है, या तेरा खुद का कोई कंटेंट तू बना नहीं सकता। जी हाँ, इतनी बड़ी बात अब एल्विश ने अरमान को कह दी है तो अरमान के मुंह पर लग गया है ताला। आखिर अरमान इस बेइज्जती का क्या देंगे एल्विश को जवाब, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये बात तो साफ है कि अब एल्विश भी इस चीज़ को नोटिस कर चुके हैं कि एक महीने के जो टाइम है उसके अंदर अरमान ने कई मौक़ों पर कई बारी एल्विश का जिक्र किया है, चाहे एल्विश का नाम लेकर बात की हो या फिर एल्विश का नाम लिए बिना उनका जिक्र किया हो। आपकी क्या राय है, क्या कहना जरूर बताइए इस वीडियो में।